हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम पांचाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल खाओ खिलाओ में। आज की रेसिपी है लौकी कोफ्ता और आज हम बनाने वाले इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। लौकी कोफ्ता बनाने के लिए हमने लौकी को छील लिया है, अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। लौकी को बीच में से कट करेंगे और ग्रेट कर लेंगे। लौकी को हमने ग्रेट कर लिया है, अब हम इसमें एक चम्मच नमक डाल लेंगे। नमक को लौकी में मिला लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लौकी में नमक डालने से लौकी अपना सारा पानी छोड़ देगी। ये स्टेप बहुत जरूरी है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। लौकी को रखे हुए 2 मिनट हो गई, अब हम इसे निचोड़ लेंगे। इस तरह से हमें हाथों से लौकी का सारा पानी निकाल लेना है। हम इस तरह से हाथों से निचोड़ कर लौकी का सारा पानी निकाल लेंगे। सारी लौकी को हमने निचोड़ लिया और ये देखिए लौकी में से कितना पानी निकला है, इसे हम फेंक देंगे। अब हम लौकी में ग्रेट किए हुए थोड़े से प्याज भी डाल लेंगे। आप चाहे तो बारीक कटे हुए प्याज भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसमें नमक भी डाल लेंगे। 1/3 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी डाल लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे 200 ग्राम बेसन। लौकी की क्वांटिटी 1 kg थी तो हमने इसमें डाला है 200 ग्राम बेसन। अगर आप लौकी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर रहे हैं तो आप बेसन की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेसन को हम लौकी में मिक्स कर लेंगे। बेसन को लौकी में हम इस तरह से मिक्स करेंगे। बेसन को हमने लौकी में मिला लिया है, अब हम इसके इस तरह से छोटे छोटे कोफ्ते बनाएंगे और फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम कोफ्ते बनाकर जितने कोफ्ते तेल में आते हैं उतने फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम पलटते हुए कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये गोल्डन ब्राउन हो गए, अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। हमें सारे कोफ्तों को इसी तरह से फ्राई करना है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे और ये देखिए ये भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। अब हम लगाएंगे तड़का। ये मैंने वही तेल यूज़ किया जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे। इसमें डाल लेंगे हम 2 इलायची तोड़कर, थोड़ी सी इसमें कटी हरी मिर्च, लहसुन और अदरक डाल लेंगे। इन्हें कर लेंगे हम हल्का सा फ्राई। इसे हमें 30 सेकंड तक फ्राई करना है। ये हल्के से फ्राई हो गए, अब हम इसमें डाल लेंगे ग्रेट किए हुए प्याज। प्याज को हम लाल होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हम हाई फ्लेम पर ऐसे ही चलाते हुए फ्राई करेंगे, नहीं तो प्याज जलने लग जाएंगे। प्याज लाल हो गए, अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़े से कटे हुए टमाटर। इस तरह से टमाटर को भी चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेंगे जिससे टमाटर का कच्चापन चला जाए। टमाटर पक गए, अब हम गैस बंद कर देंगे। मसाले को हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसमें डाल लेंगे दही। दही को मैंने पहले ही फेंट लिया था इसलिए थोड़ी सी पतली लग रही है। अब हम इसे दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। बस सब्जी की ग्रेवी बनकर तैयार है। ग्रेवी को हम उसी कढ़ाई में डाल लेंगे जिसमें हमने तड़का लगाया था। ग्रेवी में डाल लेंगे हम 1.5 गिलास पानी। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। ग्रेवी में हम डाल लेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर भी डाल लेंगे और इसे मिला लेंगे। हमें इसे 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना है जिससे कि सारे मसाले पक जाएं। ग्रेवी बनकर रेडी है, अब हम इसमें डाल लेंगे कोफ्ते। कोफ्तों को हम ग्रेवी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। कोफ्तों में डाल लेंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे मैगी मसाला। आप कोई भी मसाला ले सकते हैं, मुझे मैगी मसाला का टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैंने मैगी मसाला का इस्तेमाल किया है। मैगी मसाले को भी सब्जी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। तैयार है लौकी कोफ्ता की लजीजदार सब्जी, अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।